और ये मेरे हाथ में है एक्सटर्नल यूएसबी ड्राइव, तो ये बेसिकली डेटा जो होता है आपका उसे स्टोरेज करने के काम आती है। तो पहले मेरे पास में जो लैपटॉप था एक्चुअली मैं इसमें अपना डेटा कॉपी करता था, बट उसमें हार्ड डिस्क फुल हो गई थी, तो फिर मैंने सोचा कि कुछ एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ट्राई की जाए, क्योंकि हम लोग वीडियोस बनाते हैं फोटो बनाते हैं तो उसके लिए हमारी रिक्वायरमेंट आती रहती है, मतलब डेटा की रिक्वायरमेंट आती रहती है। तो फिर ये मैंने ट्राई करी, ये सीगेट की ब्रांड की है और ये मैंने खरीदी है रिलायंस फ्रेश है। इसका जो लिंक है वो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है रेफरेंस के लिए, अगर आप लोग ट्राई करना चाहते हो, आप लोग लेना चाहते हो कुछ आपके पास में डेटा बैकअप की रिक्वायरमेंट है। तो इसमें जो मेन फीचर है जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, वैसे तो ये कॉम्पेटिबल है कंप्यूटर कोई भी विंडो हो, ऑपरेटिंग सिस्टम हो, मैक हो, विंडोज हो, ये सबके कॉम्पेटिबल है। आप कहीं भी डेटा को भी पेस्ट कर सकते हो, ड्रैग इन कर सकते हो इसमें डेटा, जब आप ये कनेक्ट कर लोगे कंप्यूटर के साथ में अपने, तो ये अच्छी बात है इसमें। और इसमें जो मेन फीचर है वो जो हाईलाइट करना चाहता हूँ मैं यहाँ पे, बाकी तो काफ़ी सारे फीचर है इसमें, बट जो मेन फीचर है वो इसमें ये है कि ये USB 3.0 है और इसकी बैकवर्ड कॉम्पेटिबिलिटी है USB 2.0 के साथ में, मतलब जो पहले अपनी USB हार्ड डिस्क आती थी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क उनका जो USB वर्जन था वो 2.0 था और इसका जो है वो 3.0 है। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि जो 3.0 है वो डेटा ट्रांसफर जो उसमें स्पीड है वो फास्ट है एज कम्पेयर टू 2.0, तो ये इसका प्लस पॉइंट है। और इसमें अगर आप डेटा कॉपी करते हो इससे अपने कंप्यूटर में या कंप्यूटर से इसमें, तो बहुत ही फास्ट होता है। मल्टीपल GBs का जो डेटा होता है 10 GB या 20 GB या 15 GB वो क्विकली कॉपी हो जाता है। और इसकी जो कैशिंग है वो कुछ इस तरीके से है, ये इसका प्लास्टिक का लोगों ने कैश दिया है जिसे आप ऐसे ओपन कर सकते हो और फिर ये ऐसे आती है। और प्लस पॉइंट इसका ये है ये बहुत ही कॉम्पैक्ट है, बहुत ही छोटी है। आप जीन्स वगैरह पहनते हो, पैंट वगैरह पहनते हो तो उसके पॉकेट में भी आराम से रख सकते हैं हम लोग इसे, और बहुत ही लाइट वेट है, बहुत ही लाइट वेट है। तो ये अच्छी है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और सबसे अच्छा है कि पोर्टेबल है, कैरी करने में बहुत ही आसान रहती है। आप बैग आपके पास में होता है तो कहीं भी आराम से रख सकते हो। और ये इसके साथ में इसका है USB डेटा ट्रांसफर के लिए जो होता है, चार्जिंग वगैरह की जरूरत इसमें नहीं पड़ती बैटरी या ड्राइवर्स की, प्लग इन प्ले होता है ये, तो किसी भी लैपटॉप में लगाइए और चलाइए, तो अच्छी है। ये रिलायंस फ्रेश से खरीदी है मैंने, तो इसका जो प्राइस था उस टाइम पे 5,499 था, तो डिस्काउंट तो कुछ मिला नहीं था इसमें, तो एज इट इज ही खरीदी थी मैंने ये। तो ये इसका बिल है रिलायंस फ्रेश का, तो ये अभी भी उतने की दिखा रहा है, मैंने अभी जस्ट चेक करी है। यूज़ करने के बाद मैं अभी इसके रिव्यू डाल रहा था तो मैंने कहा काफ़ी अच्छी है, डेटा ट्रांसफर जो उसकी स्पीड है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, और दूसरा इसका जो कॉम्पैक्ट साइज है, दोनों ही मुझे ये दोनों चीज़ें इसकी अच्छी लगी। तो डेटा ट्रांसफर इसमें फास्टली हो जाता है और प्लस इसका कॉम्पैक्ट जो साइज है वो अच्छा लगा है मुझे। तो या सो अगर आप लोग प्लानिंग कर रहे हो तो लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग देख सकते हो वहाँ से, और कोई क्वेश्चन या कोई डाउट है वो भी पोस्ट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।